बैक टू द चैनल। तो मैं आया हूँ भाई आंध्र प्रदेश श्री तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए, और मैं इस वक्त हूँ तिरुमाला में। तो ये अलग अलग है, तिरुमाला और तिरुपति अलग अलग है, बहुत कुछ है मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ पता चल रहा है यहाँ पे नया नया। तो फिलहाल मैं हूँ तिरुमाला में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। तो वो कल ही हम लोग यहाँ पे आए, शाम को हम लोग यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे एक मठ बोलते हैं, तो मठ में हम लोग रुके थे। हम लोग अभी जा रहे हैं तिरुमाला के दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं, सब लोग रेडी हो गए, सब बाहर आ गए। गेट वाट से बस थोड़ा साइड में आया हूँ मैं, और बहुत जाम इन लोगों को फोटोग्राफी वगैरह चल रहा है, तो अपने को थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं इन लोगों का हो जाने देते। तो मैं बाहर आ गया, थोड़ा अपने फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, आप लोग आजू बाजू का सीन दिखा था यहाँ पे कैसा है। और ये मठ है वो जहाँ पे हम लोग अभी रुके थे। बहुत गर्दी है भाई सुबह सुबह, सब फोटो वगैरह निकालने में लगे हुए अपने। और ये कुछ आजू बाजू में सीन है, यहाँ पे ऐसे ही मतलब मठ बनाए हुए हैं। यहाँ पे लोग जो मतलब उनको अलॉट किया जाता है, लोगों को जो यहाँ पे आते हैं, जिनका यहाँ पे बुकिंग्स वगैरह होता है। ब्यूटीफुल इन लोगों का आर्किटेक्चर वगैरह बहुत सही होता है। हर मठ के बाहर देखो आप लोगों को भगवान की जो मूर्तियाँ वगैरह वो सब देखने को मिलेंगी। लुक बता सर, मीट मैं मौसी, मीट मैं अनदर मौसी और ट्रिप पार्टनर और ऑल्सो व्लॉगिंग पार्टनर। यहाँ पे सब लोग को ये ना टीका वगैरह लगा रहे, जो बालाजी का टीका आता तो मैं भी जाके लगा रहा हूँ अभी। चलो अपन जाके ले टीका वगैरह लगा कर। मैंने भी टीका लगा लिया है भाई, बहुत सही दिख रहा है। सब कजिन लोग ही, आप लोग इन लोगों को पहले भी कुछ व्लॉग्स में देखा होगा आपने, पहले भी जब अपने ट्रिप पे गए थे। और ये अपनी मौसी, मम्मी, बहन और दादा। और ये मेरा गजरा ये तो जा रहे पहली बार अपने दादा को मैं शो करो। दादा क्यों आ रहे हो भाई? बाबा बोलता हूँ मैं वैसे इनको, दादा आप लोगों को समझना है, इसलिए बोलना पड़ रहा है, वरना मराठी में बाबा बोलते हैं दादा को। तो पहली बार आ रहे हैं मेरे ब्लॉक्स में, और यहाँ पे ऐसा मतलब कोई साथ में भी हम लोग घूमने के लिए निकला भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब हम लोग कल से यहाँ पे आए, कल भी हम लोग थोड़ा बहुत घूमे, लेकिन मैं कुछ शूट नहीं कर पाएगा। ये देखो तो ये है वो पूरा मंदिर एरिया, पूरा बहुत बड़े एरिया में है स्क्वायर फीट में, और हर जगह अलग अलग मंदिर और कुछ जो भी काउंटर्स वगैरह हर जगह बने हुए। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे टेम्पल वाले एरिया में आ गए। मैंने भी थोड़ा धोती होती पहने, आप लोग अपना लुक बता दो अपना धोती स्टाइल। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने सब लोग ने मतलब धोती वगैरह पहनी है, और जो मतलब फील आ रही है ना भाई, चलने में भी ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन भाई बहुत सही फील आ रही है। मतलब मंदिर में और ऐसा धोती वगैरह पहन के चलने में बहुत सही लग रहा है, बाकी जम नहीं रहा है वो अलग बात है। V3 और यहाँ पे बाकी क्लीनलीनेस वगैरह में है ना भाई बहुत ही सही है। यहाँ पे ना चप्पल वगैरह पहन के भी आने नहीं देते लोगों को, बिना चप्पल के ही आना है, और बहुत ही ज़्यादा क्लीनलीनेस मेंटेन करके रखते हैं ये लोग। स्काई भी बहुत सही दिख रहा है भाई, जो तिरुमाला सिटी है ना भाई काफ़ी क्लीन और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब जहाँ भी जाओ ना मतलब भाई ब्यूटी ब्यूटी है। ये देखो फिलहाल हम लोग तिरुमाला की सड़कों पर खाली पैर लुंगी वगैरह पहन के चले जा रहे हैं, बस पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। बाकी जो आगे चल रहे हैं उनको ही पता कहाँ जा रहे हैं, मंदिर किस तरफ है, फिलहाल तो बस चले जा रहे हैं हम लोग। और भाई ये टीका मतलब मेरे को इतना कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है ना कि मतलब टीका मेरे पे बहुत सूट कर रहा है, पता नहीं मतलब आप लोगों को भी लग रहा हो तो बताना। पूरा सीन हो जाने वाला है कि मेरा फ़ोन शायद जमा करना पड़े मेरे को, लेकिन देखता हूँ मैं जितना हो सके उतना शूट करूँगा, और वहाँ से आने के बाद तो शूट करूँगा। तो ये है अपना मेन गेट, जहाँ से अपने को पूरी जो लाइन है लंबी चौड़ी जो भी होगी यहाँ से अपने को जाने का। अरे थोड़ा है तिरुपति बालाजी, तो मेरे पीछे इन लोगों का वापस से कुछ डिस्कशन वगैरह चालू हो गया, बहुत डिस्कशन चल रहा है भाई इन लोगों का। बाकी यही है गेट पीछे, यहाँ से अपने को जाने का अंदर एंट्री करने का, और ये VIP एंट्री है। बाकी जो नॉर्मल वाली होती है वो उस साइड में, तो यहाँ पे भी लेकिन मतलब बहुत टाइम लगता है लाइन का, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। VIP में कम से हम लोग को मतलब 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो ये रहे सब लोग अपने मौसा लोग और मौसी लोग, यहाँ पे सब लोग है, सब लुंगी उंगी पहन के फुल रेडी है। मौसी हेलो गाइस, सब हम लोग अभी जा रहे हैं गेट की तरफ, गेट से अंदर देखते हैं क्या सीन है। हम लोग को बहुत लंबी चौड़ी लाइन वगैरह लगानी है, और देखेंगे कि कहाँ शायद फोन जमा करने का बोल रहे हैं। ब्रो हाउ इज द फील? वेरी नाइस, वेरी वेरी क्या बोल सकते हो, कुछ नहीं बोल, धार्मिक टेम्पल, सीधा टेम्पल। तो ये है अपना जहाँ से अपनी लाइन है, और भाई सीन देखो यहाँ पे, वाओ एकदम फुल धोती वोती पहन के एकदम थलाइवा भाई, फुल ट्रेन के प्लेटफॉर्म वाली फीलिंग नहीं आ रही है क्या? एक ब्रिज है यहाँ पे, एक रोड का ही, वहाँ से हम लोग वहाँ पे नीचे जाने का। ये फिर से लाइन है यार, कितनी लाइन है। और तूने धोती क्यों पहनी है?
ब्लैक धोती भी पहन के आई है तू। अपने को फोन्स वगैरह सब अपने डिपॉजिट करने पड़ेंगे काउंटर में। हम लोग को पता था कि यहाँ पे आके हम लोग को फोन वगैरह डिपॉजिट करने पड़ने वाले हैं, तो हम लोग को पता, मतलब मेरे को पास पहले से पता था, तो अभी जाता हूँ मैं फोन वगैरह जमा कर देता हूँ और दर्शन वगैरह करने के करके आके आप लोगों को मिलता हूँ। और बाकी हम लोग बाहर जहाँ पे भी घूमेंगे आप लोगों को मैं बताऊँगा कि फोन जमा हो रहे हैं, जब्त हो रहे हैं यहाँ पे अभी। तो दर्शन करके हम लोग आ गए, तो अभी हम लोग जो मतलब मेन मंदिर है आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा वहीं पे खड़ा हूँ। तो हम लोग का दर्शन वगैरह फुल हो गया और भाई बहुत टाइम लगा, कम से कम 4 से 5 घंटे हम लोग को लग गए। अभी 4-5 घंटे बाद में वापस ब्लॉक कर पा रहा हूँ, और फोन भी हम लोग ने मतलब काउंटर से वगैरह लेने में भाई बहुत टाइम लग गया। तो अभी मेरे को फोन मिल गया, तो मैं थोड़ा आप लोगों को यहाँ के सिनेमेटिक शॉट वगैरह दिखा देता हूँ, क्योंकि यही मेन मंदिर है यहाँ का। और बाकी सब तो भाई गए ऊपर, गए ऑलरेडी, जा चुके आगे। मैं यहाँ पे रुका हूँ अपना थोड़ा शूट करने के लिए, और अपने साथ खाली मौसी है यहाँ पे। मौसी आप लोगों को थोड़ा शूट करता हूँ, आजू बाजू का दिखा देता हूँ कैसा सीन है यहाँ भाई। बहुत ही प्यारा मंदिर और काफी क्लीन है। श्री तिरुपति बालाजी, तो यहाँ पे हम लोग आए, दर्शन वगैरह किया, सब कुछ एकदम सही हुआ। और अभी जो आगे मम्मी, मतलब जो हम लोग की पूरी फुल फैमिली है, वो तो आगे जा ही चुकी है, हम लोग ही खाली पीछे थे, तो अभी हम लोग भी निकल ही रहे। बस जितना हो सका मैंने उतना दिखाने की कोशिश की आप लोगों को, इस तरह से कुछ मंदिर था। और अभी शाम का टाइम है, अभी कुछ 5 बज रहे, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, हम लोग आ गए। तो यहाँ पे मम्मी लोग हम लोग को मिले, यहाँ पे लोग शॉपिंग वगैरह चल रहा था और कुछ नाश्ता वगैरह चल रहा था, तो अभी गए अंदर शॉपिंग वगैरह कर रहे। मैं आप लोग को दिखाता थोड़ा बहुत शॉपिंग का भी कैसा है, ये देखो। कुछ शॉपिंग वगैरह की है, जो मतलब बालाजी के फ्रेम्स वगैरह, मूर्ति वगैरह लिए, तो सब कुछ हो गया। बाकी हम लोग चल रहे हैं अभी भी। बाकी यहाँ पे सामने सीन बहुत सही दिख रहा है, मतलब शाम के कुछ 6-6:30 बज रहे हैं, और सामने मून इतना प्यारा दिख रहा है ना, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये मार्केट है वो, जहाँ पे अभी हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह की है। गोविंदा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना वगैरह खाने के लिए, खाने का क्या इंतजाम है देखते हैं। यहाँ पे ये इनका ये मतलब प्रसाद रहता है, तो वो देख रहे हैं हम लोग अभी वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये है वो अन्नपूर्णा सेंटर, यहाँ पे जो भी मतलब इनकी लैंग्वेज में लिखा है वगैरह वो समझा नहीं आ रहा है, लेकिन आगे बोर्ड था तो मैंने बताया। तो यहीं पर अभी हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग सब जा रहे हैं अंदर, यहाँ से अपनी जो लाइन वाइन है चालू होगी, तो कुछ इस तरह से दिखता है अंदर से। यहाँ से एंट्रेंस, डाइनिंग हॉल, यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, कुछ पेंटिंग है, कुछ तो है भाई, बहुत ज़बरदस्त है, देखो कितनी बड़ी है। यहाँ पे कुछ इन लोगों ने प्लांटेशन वगैरह किए हुए हैं सब, वाव बहुत ही खतरनाक। यहाँ पे मतलब कुछ तो है, मूर्तियाँ बनी हुई है 3, और ऊपर बालाजी है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे अंदर बैठे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, तो शायद मेरी आवाज़ बराबर आ नहीं रही होगी, मतलब बहुत लोग हैं यहाँ पे, थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, और अभी अभी सब लोग आ रहे हैं। बाकी जो यहाँ की मतलब परंपरा है कि मतलब केले के पत्ते में वगैरह खाना वगैरह देते, तो उस तरह से यहाँ पे सर्व किया हुआ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे हर किसी को केले के पत्ते में सर्व किया गया। खाना वाना खा के हम लोग जस्ट निकले अभी, यहाँ पे सब अपने हॉस्टल हो गए, श्रीकांत हॉस्टल, सब अपने हॉस्टल हो गए यहाँ पे। जय बालाजी।
तो इन्होंने यहाँ पे मतलब जो दान वगैरह करते बाल वगैरह दान करते वो सब किया हुआ है सारे मेरे पापा ने मौसा ने सबने। तो ये यहाँ पे बाहर मार्केट है इस तरह से। ब्रो कितना टाइम लगा रहे ये लोग यार? पता नहीं ब्रो। तो बाकी के आ गए और भी आ ही रहे सब धीरे धीरे। काफी अच्छा था खाना वगैरह, मतलब जो यहाँ का ट्रेडिशनल खाना ही था। क्या बोलते हैं, रसम और चावल था। तो भी हम लोग आ गए और अभी जा रहे हैं हम लोग जहाँ पे हम लोग के मतलब रूम्स वगैरह है वहाँ पे जाएंगे, फ्रेश होंगे फिर। ऑलमोस्ट खत्म ही आज का दिन, तो इतना ही था जो भी था।